हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर ओवैसी का बड़ा हमला, कहा इस देश का कोई मजहब नहीं है। केंद्र सरकार को भी बताया नाकाम, बोले क्या संविधान को खत्म कर देंगे। आज से त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान, 28 लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट, 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। पीएम मोदी आज आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, 15 दिनों तक चलेगा ये महोत्सव। चेतन शर्मा पर अब तक बीसीसीआई ने नहीं की कोई कार्रवाई, सूत्रों के मुताबिक चेतन शर्मा को मिल सकता है अपना बचाव करने का मौका। भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला, आईटीबीपी के साथ नए बटालियन का होगा गठन। भारत चीन सीमा पर पड़ने वाले 662 गांवों का किया जाएगा विकास, टनल का भी होगा निर्माण। चुनाव से पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा राजस्थान पर जल्द किया जाए फैसला। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने दिया विवादित बयान, बाबा रामदेव को बताया पौने दो आंख वाला बाबा, कहा बाबाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरित मानस पर बयान, बोले मानस की चौपाइयों से ज्यादा लोगों की मदद पर होनी चाहिए बात। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे अब्दुल्ला। आजम खान की बड़ी मुश्किलें, रामपुर शोध संस्थान से 15 दिन में कब्जा हटाने का मिला नोटिस, शोध संस्थान में चल रहा है रामपुर पब्लिक स्कूल। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश को भ्रमित कर रही है बीजेपी, जरूरी मुद्दों पर बीजेपी ने साथ रखी है चुप्पी। मौलाना गुलाम रसूल बलियावली का बड़ा बयान, कहा देश में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाना जरूरी। बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी रेड आज भी रहेगी जारी, अभी तक आईटी टीम 3 कंप्यूटर कर चुकी है जब्त। तजाकिस्तान में 200 भारतीय मजदूर लगा रहे हैं मदद की गुहार, भारत लौटने के लिए प्रशासन से मांग रहे मदद, पिछले 4 महीने से मजदूरों को नहीं मिला है वेतन। दिल्ली में निक्की हत्याकांड की जांच जारी, सूत्रों के मुताबिक दम घुटने से हुई थी निक्की की मौत, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है साहिल। आज से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, नकल के खिलाफ प्रशासन का सख्त आदेश, नकल करने वाले छात्रों पर लगेगा एनएसए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। कश्मीर के निजी दौरे पर हैं राहुल गांधी, गुलमर्ग में स्कीइंग करते आए नजर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। आपको बता दें कि रीवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्रिकेट खेलने के दौरान हादसा, कार्यकर्ता के सर पर लगी बॉल, कार्यकर्ता का इलाज जारी। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि में तोरण द्वार बनाने को लेकर हंगामा, दो पक्षों में जमकर चले पत्थर, कई दुकानों में की गई आगजनी, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र के पालघर में 40 साल की महिला का मिला शव, एक बंद फ्लैट में रखी हुई थी लाश, महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में मां बेटी की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन, सीबीआई जांच के लिए भी इलाहाबाद में याचिका की गई दर्ज। अलीगढ़ में 3 फीट के दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, दोस्त ने प्रॉमिस डे पर शादी करवाने का निभाया वादा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। देहरादून में प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी करने वालों पर होगा सख्त एक्शन, पुलिस ने कर ली है हंगामा करने वालों की पहचान, 9 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। बिहार के कटिहार में 3 साल की बच्ची का रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वैशाली में नकली शराब के तस्करों से निपटने के लिए खास तैयारी, ड्रोन की मदद से की जा रही है इलाके की निगरानी। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया, मेडिकल टीम ने सफल डिलीवरी करवाई। आज जयपुर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में होगी पेशी, कड़ी सुरक्षा में लॉरेंस को लाया गया जयपुर। बीएसएफ के डॉग ने फ्लाइंग मून जंप में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 15 फीट 6 इंच की फ्लाइंग जंप लगाई। कानपुर में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में जमीन खरीद फरोख्त में ठगी पर कार्रवाई, मलेशिया के नागरिक समेत 5 लोग गिरफ्तार, मलेशिया के नागरिकों के नाम पर खरीदी जा रही थी जमीन। उन्नाव में कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कासगंज में नाबालिग से 3 बदमाशों ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच में जुटी पुलिस।
कासगंज में जेट्रोफा का फल खाने से 20 बच्चे बीमार, अस्पताल में जारी है बच्चों का इलाज। सहारनपुर में ट्रांसफॉर्मर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सीतापुर में शादी में शख्स ने की फायरिंग, वायरल हुआ वीडियो, फायरिंग करने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में घर में लगी भीषण आग, जला लाखों का सामान, किसी को नहीं हुई कोई क्षति। जौनपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बागपत में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, गैंगस्टर हाजी सुल्लू की 65 लाख की संपत्ति कुर्क। सहारनपुर में यमुना नदी में मिला युवती का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में गाड़ी चोरी करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 4 चोर हुए गिरफ्तार, 9 बाइक समेत एक स्कूटी जब्त। हाथरस में चलती कार में अचानक लगी आग, कार सवार ने बचाई अपनी जान, लोगों ने बुझाई आग। उत्तराखंड के बागेश्वर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। उत्तराखंड के जसपुर में तालाब में गिरी बाइक, हादसे में बाइक सवार की मौत, एक युवक बुरी तरह से घायल। राजस्थान के टोंक में महिला ने 3 बच्चियों के साथ की खुदकुशी, कुएं में कूदकर जान दी, पारिवारिक कलह का चलते ये कदम उठाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस की कार्रवाई, अवैध पिस्तौल के साथ एक युवक गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 3 अवैध पिस्टल भी बरामद। यूपी के गाजियाबाद में घर में गैस रिसाव से धमाका, 5 लोग बुरी तरह से घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नोएडा पुलिस ने लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट की कई घटनाओं को दे चुके थे अंजाम। दिल्ली के नजफगढ़ में बदमाशों ने मंदिर के पुजारी पर फायरिंग की, अस्पताल में जारी है पुजारी का इलाज। हरियाणा के झज्जर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, 25 लाख की शराब जब्त, ट्रक से की जा रही थी शराब की तस्करी। बिहार के जमुई में शख्स ने मामूली विवाद में बुजुर्ग को गोली मारी, अस्पताल में जारी है बुजुर्ग का इलाज। अररिया में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक की मौत, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वैशाली में पुलिस की गाड़ी से 20 किलो ड्रग्स बरामद, 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मुंगेर में ग्राहक सेवा केंद्र पर बदमाशों ने की लूटपाट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की 15 पेटी शराब, एक तस्कर भी गिरफ्तार। बेगूसराय में पिकअप गाड़ी और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, हादसे में पिकअप गाड़ी चालक की मौत, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 450 लीटर विदेशी शराब जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। आरा में खेत में मिला महिला का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में 7 घरों में आग लगी, चूल्हे की चिंगारी से आग फैली, जला लाखों का सामान। झारखंड के सिमडेगा में युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। बेगूसराय में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल समेत 8 कारतूस जब्त। उज्जैन में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत, एक बुरी तरह से घायल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। इंदौर में सड़क पर खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पेक्राफ्ट ने जारी किया वन नेशन वन कॉर्पोरेट कार्ड, मेट्रो ट्रेवल में भी हो सकता है इस्तेमाल। आगर मालवा में 2 बाइक सवारों में हुई मारपीट, शख्स ने युवक के सिर पर लोहे की रॉड से किया वार, बुरी तरह घायल हुआ युवक। छिंदवाड़ा में बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, हादसे में 1 की मौत, 4 घायल, बस ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे का शिकार हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में कार में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लूटपाट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध पिस्टल समेत लूट की रकम भी बरामद। रायपुर में युवक ने की महिला की हत्या, पैसों को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
बिहार के नवादा में ड्रोन की मदद से किया गया खेतों में यूरिया का छिड़काव, किसानों में खुशी का माहौल। हजारीबाग में युवक ने की प्रिंसिपल की पिटाई, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। गुजरात के वडोदरा में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गुजरात के अमरेली में गांव में दिखा शेरों का झुंड, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 25 फीट गहरे ट्यूबवेल में गिरा सांड, पुलिस ने गांव वालों की मदद से किया रेस्क्यू। राजस्थान में 5 साल बाद सतनाम महाराज का पूजन, पूरे राज्य में चलाया गया सफाई अभियान। युवक ने शादी के कार्ड में खुद को बताया मुख्यमंत्री का निजी सचिव, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला के सफल आयोजन पर पूजन कार्यक्रम, कई नेताओं और सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। तुर्की में 222 घंटों के बाद महिला का रेस्क्यू, मलबा हटाकर महिला को निकाला गया बाहर। तुर्की में इमारतों का मलबा किया जा रहा है साफ, ड्रोन वीडियो में दिखी तबाही की तस्वीर। तुर्की में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, शेल्टर होम्स में पनाह लेने को मजबूर हैं हजारों लोग। अंताकिया में 228 घंटे बाद शख्स को निकाला गया बाहर, इमारत के मलबे के नीचे दबा हुआ था युवक। दुनिया की सबसे पुरानी हिब्रू बाइबल की लंदन में होगी नीलामी, 1000 साल पहले लिखी गई थी प्रति, विशेषज्ञों के अनुसार $50 मिलियन तक पहुंच सकती है बाइबल की कीमत। लीबिया में प्रवासियों से भरी नाव हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 9 लोगों को बचाया गया। दक्षिण अफ्रीका और चीन की सेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास करेंगे रूसी युद्धपोत, 17 से 27 फरवरी तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूस ने यूक्रेन के 5 मंजिला इमारत पर किया मिसाइल अटैक, हमले में 12 लोग घायल हुए। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, कीव के ऊपर रूसी बलून दिखने का किया दावा। खाद्य संकट से जूझते क्यूबा की मदद करेगा रूस, 25,000 टन गेहूं देने का ऐलान किया। एस्टोनिया और डेनमार्क की सेनाओं ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, लेफर्ट टैंक से भी अभ्यास करते दिखे सैनिक। बोलीविया में डेंगू के मरीजों से भर चुके अस्पताल, 7,000 के करीब लोग हो चुके हैं संक्रमित, ज्यादातर बच्चों को हो रहा है डेंगू। पनामा में बड़ा सड़क हादसा, प्रवासियों से भरी बस खाई में गिरी, 39 लोगों की मौत। अमेरिका के लास वेगास में आई धूल भरी आंधी, हाईवे पर ट्रैफिक हुआ जाम। चीन के वुहान में रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, हेल्थ इंश्योरेंस में बजट कट का किया विरोध। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस के सिस्टम में आई तकनीकी खराबी, दर्जनों फ्लाइट्स हुई रद्द, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। डॉलर की कमी से जूझते इजिप्ट का बड़ा फैसला, सरकारी संपत्तियों को बेचेगा इजिप्ट, गल्फ देशों से करेगा सौदा। कजाकिस्तान में एवलांच से भारी तबाही, 10 लोगों की मौत हुई, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। न्यूजीलैंड से दूर निकला चक्रवात गैब्रियल, देश में राहत और बचाव का काम जारी, तूफान की वजह से 10,000 लोगों के विस्थापित होने का अनुमान।